और आई समझने की तौफीक नसीब फरमा। जिन लोगों ने ए अल्लाह तेरा वादा है, हमारे भाइयों ने आपके घर को आबाद करने के लिए अपनी जान माल को मुबारक। ज्यादा कुछ देता है, इसलिए सब लोग इकट्ठे होकर इनकी नमाज अदा करते हैं और फिर पूरा मुल्क के लिए दुआ करवाते हैं। पूरी जितने भी हमारे भाई इस दुनिया में रहते हैं या बाहर मुल्कों में रहते हैं, तो सारे अमन के लिए ये पैगाम देते हैं, भाईचारा का पैगाम देते हैं। गंगा जमुना तहजीब जो हमारे मुल्क की है, उसके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह इसको इसी तरीके से चलता रखे, तो उसके लिए दुआ। जी, मैं प्रधान डॉक्टर इस्लाम खिदमत अवाम हिंद वेलफेयर सोसाइटी एज सोसाइटी जिला जींद। हम ये संदेश देते हैं कि जैसे ईद और बैसाखी पर्व है, कि सब लोग आपस में इसको भाईचारा निभाएँ, आपस में भाईचारा बनाएं और मिलजुल करें। मिलजुल कर ही रहने से हमारा देश विकास करेगा और हमारा समाज विकास करेगा। और इस मौके पर सभी यानी पूरे देश के प्रदेशवासियों को हम ईद उल फितर और बैसाखी पर्व की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और बधाई देते हैं। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर इस्लाम। जी बताइए, इस पर बैसाखी का पर्व भी साथ में और ईद भी, तो क्या कहना चाहिए? मैं नवाब अली कहना चाहता हूँ कि ये ईद का जो त्यौहार है, ये आपसी भाईचारे और सौहार्द का त्यौहार है, और इसके साथ साथ बैसाखी का त्यौहार है। बैसाखी का त्यौहार भी एक सौहार्द और भाईचारे का संदेश देता है, अमन और आपसी भाईचारा बनाए रखें। मेरी यही देशवासियों से गुजारिश है, और मैं चाहता हूँ आने वाला जो हमारा अभी 25 तारीख को पहला हरियाणा के अंदर मतदान का पर्व आ रहा है, ये भी एक पर्व की तरह मनाया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा पूरा प्रदेशवासी 100% मतदान करे, और उन लोगों को मतदान करे जो इस देश के आइन को बचाने की कोशिश करते हैं। आइन को बचाने वाले को ही वोट करें, मेरी ये सबसे अपील है। धन्यवाद। नवाब अली, एक मिनट जी, क्या आप कहना चाहोगे, क्या संदेश रहेगा इस ईद के त्यौहार पर? सभी भाइयों को मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह ताला से दुआ की है देश में सुख शांति अमन चैन रहे और सभी मिलजुल कर रहें, सभी अपना खुशी खुशी नमाज अल्लाह से नमाज पढ़कर दुआ मांगी है, और सभी अपने खुशी खुशी से सभी भाई अल्लाह की इबादत करके 30 दिन रोजे रखे और इसका अपना त्यौहार जो मनाया बड़ी खुशी से, हम इसके लिए सभी को धन्यवाद करते। सर, आज सभी धर्मों के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, सब ने जो है ईद की मुबारक दी है, और नमाज के टाइम में सभी जातियों के सभी धर्मों के लोग पहुँचे हैं, क्या आप कहना चाहोगे, क्या संदेश इसका? हम सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो यहाँ पे ईद की मुबारक पर्व पर सभी अपना वो देने के लिए आए हैं, मुबारकबाद देने के लिए आए हैं, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्या नाम है जी? राजवीर कोथ।